ऐसे में हर कोई तलाश कर रहा है कि आखिर मनीष कश्यप हैं कौन। चलिए आपको यही बताते हैं इस वीडियो में। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल मनीष कश्यप का एक यूट्यूब चैनल है। इन वीडियोस और तस्वीरों से मनीष का डायरेक्ट कनेक्शन है। उनका यूट्यूब पर सच तक नाम से एक यूट्यूब चैनल है। सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उनके काफी फॉलोअर्स हैं। मनीष अलग अंदाज में रिपोर्टिंग के लिए सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय भी हैं। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का वीडियो शेयर किया था, लेकिन उनके इस वीडियो पर सवाल खड़े हुए और सभी वीडियोस फेक निकले। दावा किया जा रहा है कि मनीष ने जो वीडियो शेयर किया है वो तमिलनाडु का है ही नहीं। मनीष के खिलाफ बिहार पुलिस ने फर्जी वीडियो शेयर करने और फर्जी खबरें वायरल करने के मामले में FIR दर्ज की है, जिसके बाद से मनीष कश्यप के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ट्विटर पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मनीष ने वीडियो को सच साबित करने के लिए इसमें स्क्रिप्टेड वीडियोस को शेयर किया है। मनीष कश्यप, जो खुद को सन ऑफ बिहार कहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों के बारे में झूठ नहीं फैलाता हूं, उनके बारे में सिर्फ सच्चाई को दिखाता हूं, लेकिन आप लोग इस सच को नहीं देख पा रहे हैं। मनीष ने कहा कि जिस वीडियो को आप फर्जी बता रहे हैं, एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मजदूर का नंबर भी दिया गया है, उससे बात करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है या वो गलत बोल रहा है। तमिलनाडु में मजदूर काफी परेशान है। मनीष पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है वो फेक है। खुद तमिलनाडु पुलिस ने वीडियो को फर्जी बताया। बाद मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि पहले आप पढ़ाई में फ्लॉप हुए, फिर क्रिकेट में फ्लॉप हुए, और फिर बिहार का उप मुख्यमंत्री बनकर पूरे बिहार को ही आपने डुबा दिया है। बिहार में जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ केस कर रहे हैं। आप 9वीं फेल हैं। आपके पिताजी CM थे, आपकी माताजी भी CM थी, और आप CM नहीं बन पाए। मेरे पिताजी सेना में थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैं इंजीनियर बना। आपको कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही लेनी चाहिए थी, तब ना आपको पता चलता कि छोटे और बड़े भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं आज भी इस बात पर अटल हूँ कि आपको मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। आप पहले ऐसे नेता हैं जिनके माताजी CM थे, पिताजी CM थे, और आप CM नहीं बन पाए। आपको इस बात से जलन है, आप 9वीं फेल हैं, आप पढ़ नहीं पाए। किसी भी मंच पर बुला लीजिए, मैं आपसे बेहतर डिबेट कर सकता हूँ, मैं आपसे ज्यादा सक्षम हूँ। यही नहीं, मनीष कश्यप ने कहा कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता हूँ, जिस दिन बुलाया जाएगा मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। मैंने हत्या थोड़ी की है कि मैं फरार हो जाऊंगा। आपको बता दें कि मनीष कश्यप का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2019 में पश्चिमी चंपारण जिले में महारानी जानकी हूवर अस्पताल परिसर में स्थित किंग एडवर्ड 7 की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था। इस मामले को लेकर मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर कई वीडियोस और तस्वीरें शेयर की थी और राष्ट्रवाद के नाम पर मूर्ति तोड़े जाने का समर्थन कर दिया था। इस मामले में भी पुलिस ने उन पर मामला दर्ज किया था। इसके अलावा साल 2019 में ही उन्होंने पटना के एक मार्केट में कश्मीरी दुकानदारों से मारपीट की थी। इस मामले में उन्हें पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। तो मनीष कश्यप का विवादों से पुराना नाता रहा है और अब फिर से फर्जी वीडियोस जारी करने के चक्कर में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।